मेरा वकील मुझसे कहता है 99.9% हमारा केस फिट है, इससे फिट कोई केस और हो नहीं सकता जो दूसरे के उनके बावजूद भाई कैसे चिल्लाए अपने लोगों को। हर गांव में जाने के बाद लोग निराश हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को चिल्लाने के लिए कुछ छोटी खबरें इस तरह की फैलाते हैं कि लोगों में कुछ साहस पैदा हो तो वो कर रहे हैं। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी, 1 बेटी मेरी यहां है या खड़े में शिक्षित है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्रीराम कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तुलजापुर से इसने एमए किया। सब्जेक्ट भी कवर करने का है, जो विषय है वो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट विषय से एमए किया। अपने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉपर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। यूपी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसी तरह की खबरों ने कहीं विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। सांसद जी, अभी ऊपर आप जब भाषण कर रहे थे तो उनके भाषण के दौरान आपने एक चीज की कि आपने अपनी बिटिया नुसरत से सबका इंट्रोडक्शन कराया। क्यों नहीं, मैं मेरी बेटी है, आई हुई है, मैंने उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। आप लोगों से थोड़ी देर पहले वो चली गई ना, मैं आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन करा देता। आपके आप भी सब यही गाजीपुर के हो, कोई उसके चचा हो, कोई उसके भैया हो, कोई उसके बाबा हो, इस हैसियत से नमस्कार प्रणाम तो आपसे भी करेगी, आशीर्वाद ले लेगी। क्या इतना छोटा दिल आपका हो गया है कि बेटों को आशीर्वाद मिलेगा बेटियों को नहीं मिलेगा? हम तो ये नहीं समझते भी पहली भाई। बार ऐसा हुआ है कि बिटिया जो है, नहीं आपको याद नहीं है, जानकारी की कमी है। मेरी बिटिया नूरिया अंसारी पूरे सैदपुर विधानसभा की कमान संभाली हुई थी पिछले 2019 के चुनाव में, शायद आप लोगों के निगाह में क्यों नहीं आई। मैं वो रेणु पासी जो सुभाष पासी की पत्नी थी, वो रेणु पासी के रीना पासी, उनके साथ लगातार वहीं कैंप करके उसने पूरे एक विधानसभा को उसको उन्हीं के सौंपा था हमने। तो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और आज के इस दौर में बेटियों का बड़ा हौसला है। अभी देखिए गाजीपुर की बेटी ने, अभी उसिया की एक बेटी ने वो कारनामा अंजाम दिया। बेटे तो बेटे हैं, वो तो अपने जगह, उनका जो है वो मुकाम वो अपनी जगह है, लेकिन बेटियां अब किसी से कम नहीं है। वो भी अब उसको अवसर तो मिलेगा तब ना। वो अभी देखिए कह तो रहे हैं, आप भी नाम उसका ले रहे हैं, हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से उसने गाजीपुर का नाम रोशन किया। तो